हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रिशु कुमारी। कैसे हो आप लोग? सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। सर्दियों के मौसम में आप लोग कैसे हो? प्लीज़ सर्दियों से बच के रहना। चलिए मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं सुबह के रूटीन के हिसाब से मैं गर्म पानी लेती हूँ। मैं करती हूँ गर्म पानी, अब मैं गर्म पानी पीऊँगी। आप लोगों को पता है कि आप लोग से पहले मैं बता चुकी हूँ कि मैं चाय सुबह नहीं लेती, इसलिए मैं गर्म पानी पीती हूँ। हमारा हो गया है पानी गरम, मैं इसे लेती हूँ ग्लास में। हाय, तो ज़्यादा ही गरम हो गया। कोई नहीं, इसमें मैं नहीं नहीं ठीक है ठीक है। मैं पी रही हूँ गरम पानी। अब मेरे रूटीन के हिसाब से जो घर का क्लीनिंग है मैं अब स्टार्ट करूँगी। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ओके फ्रेंड्स, मैं हो गई नहा धोवा के रेडी। अब जा रही हूँ मैं पूजा करने। आप लोग भी आइए पूजा देखने। और मेरी विधु अभी भी सो रही है, जब तक वो सोएगी मेरा पूजा हो जाएगा, फिर जाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट बनाने। फ्रेंड्स, हमारी हो गई है पूजा समाप्त। अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने, और वेदू के पापा ब्रेकफास्ट करके ड्यूटी चले गए। ये रही मेरी वेदू, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। वेदू, आप लोग देखना कितना शैतानी करती है मेरी बेटी। ये भी अभी सो के जगी है, ये भी अपना खाना खा ली। अब ये देखो चेयर पे कैसे चढ़ गई शैतानी करने के लिए। वेदू नो नो, वेदू को आप लोग छोड़िए, इसका शैतानी तो चलता रहता है। मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने। आप लोग देखिए ब्रेकफास्ट में मैं क्या कर रही हूँ। ये है म्यूसली। ये म्यूसली है, किसको किसको म्यूसली पसंद है प्लीज कमेंट करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है म्यूसली खाने में। मैं बस म्यूसली अभी जा रही हूँ खाने, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अरे पहले ही दूध गिर गया अब मैं आ गई हूँ कपड़ा प्रेस करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा कपड़ा इकट्ठा हो गया था, क्योंकि मैं 2 दिन से कंटिन्यू कपड़ा प्रेस कर रही थी। मैं ही सारा काम करती हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ का काम क्या है, जो घर में जितना सारा काम होता है वो सब मैं करती हूँ। उसके लिए कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहा जाता है ना, पहले माँ फिर वाइफ फिर घर के हाउस वाइफ, तो सब जिम्मेदारी अपने सर पे ही रहती है। तो फिर बच्चे को पहले संभालो, फिर हस्बैंड को खाना ब्रेकफास्ट जो भी है करके फिर ड्यूटी भेजो, फिर अपना जो काम रहता है घर का सारा। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने अपना कपड़ा प्रेस कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे कपड़े मेरे हैं, क्योंकि मैं एक दिन पहले अपने हस्बैंड का सारा कपड़ा मैंने प्रेस करके लिया था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से मैं प्रेस कर ली हूँ।
अरे यार, मैं तो थक गई सुबह से काम करते करते। लो, आ गई मैं किचन में दोपहर के खाना बनाने। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ पालक दाल। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पालक दाल। फिर चलिए मैं इसका रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ, आप लोगों से फिर। ओके फ्रेंड्स, तो पालक दाल बनाने के लिए मैंने पालक को धो के कट करके रख दिया है, साथ में टमाटर कट लिया है और दाल को मैंने धो के रख लिया है। फिर मैं ये पालक है इसे मैं कुकर में रखूंगी, इसे थोड़ा सॉफ्ट होने दूंगी। सॉफ्ट होने के बाद मैं ये दाल रखूंगी। पहले तो इसे हम सॉफ्ट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सॉफ्ट हो चुका है। फिर मैंने धो के रखा था जो दाल, वो मैं डाल रही हूँ। दाल रखने के बाद मैं फिर इसमें कटा हुआ टमाटर रखूंगी और मैं पानी भी ऐड कर देती हूँ। टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें रखूंगी हल्दी पाउडर, फिर रखूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी तेल। तेल डालने के बाद इसे मैं ढक्कन बंद करके फिर गैस पे रखूंगी। फिर फ्रेंड्स, मेरा दाल तो रेडी हो गया है। अब मैं रखूंगी कढ़ाई गरम करने के लिए और उसमें तेल, मेरा तेल तो गरम हो चुका है। उसमें रख रही हूँ 1 पिंच हींग, फिर राई दाल को तड़का देने के लिए, फिर जीरा थोड़ी सी, फिर रखूंगी इसमें लाल मिर्च, साबुत, तेज पत्ता, फिर इसमें रखूंगी मैं हरी मिर्च कटा हुआ लहसुन के छोटे 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 अब मैं डालूंगी इसमें कटा हुआ प्याज, और डालने के बाद थोड़ी देर इसे मैं भूनूंगी। जब प्याज रेडी हो जाए फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डालूंगी। ये रहा मेरा गरम मसाला, ये धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी हल्दी पाउडर। फिर मैं इसे भून के अब मैं इसमें दाल रख दूंगी। आप देख सकते हैं मेरा पालक दाल रेडी हो गया है, कितना अच्छा दिख रहा है। फिर मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि उबाल आ जाए। उसके बाद मेरा पालक दाल रेडी हो जाएगा। अब हो गई है इवनिंग, तो हम सबको मन किया कि हम लोग पानी पूरी खाएं। फिर मैंने पानी पूरी रेडी करना स्टार्ट कर दिया। ये पार्टी पैक है जो इसमें चिप्स वगैरह। फिर मैंने आलू को बॉयल किया उसका चोखा रेडी करने के लिए, और ये रहा हरी मिर्च, ये रहा प्याज कटा हुआ, धनिया का पत्ता कटा हुआ है। चलिए फिर हम चोखा को रेडी करते हैं। ये आलू, उसको मैश करके फिर मैं उसमें डालूंगी कटा हुआ हरी मिर्च, फिर कटा हुआ प्याज डालूंगी, फिर मैं इसमें डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ये और ब्लैक सॉल्ट भी मैं यूज कर रही हूँ, थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा इससे। फिर ये मैं चाट मसाला यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी धनिया का पत्ता, और फिर मैं इसे मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद हमारा हो जाएगा चोखा रेडी पानी पूरी के लिए। ये देखिए हमारा चोखा रेडी हो गया। मैं इधर पानी भी रेडी कर ली हूँ। ये है लहसुनी चटपटा पानी जो तीखा रहेगा, ये है खट्टा मीठा इमली वाला पानी, थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा खट्टा लगेगा। दोनों पानी में रखी हूँ, थोड़ा सा तीखा तीखा मैं ज़्यादा खाती हूँ इसी वजह से मैं रखी हूँ। अब इधर कढ़ाई में मैंने तेल को गरम कर दिया है, और इधर पानी पूरी को मैंने मतलब पूरी को तल रही हूँ।
आप देख सकते हैं, आय हाय कितना बड़ा बड़ा हो गया, कितना अच्छा हो गया। फिर मैं इसे निकाल लूंगी। निकालने के बाद इसे मैं एक प्लेट में रखूंगी, और आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये रहा मेरा फाइनल पानी पूरी। आ गया ना आप लोग के मुंह में भी पानी, बहुत टेस्टी लगा जब मैं खाई ना, बहुत टेस्टी हुआ ये पानी पूरी बना था। आय हाय कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय बाय।